जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक के सकते हुए दिखाई देंगे, उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा, याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था, हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था, पाकिस्तान को मौकी खानी पड़ी थी, पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा ये देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।